अमर वराड़े की जीत के लिए जुटी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, सांसद प्रफुल्ल पटेल और नाना पटोले की मुख्य उपस्थिति में प्रीतम लॉन में संयुक्त बैठक बनेगी चुनावी रणनीति। गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के भीतर भूचाल सा आ गया है, जब विधायक गोपाल दास अग्रवाल ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामकर वे भाजपा के उम्मीदवार हो गए। विधायक गोपाल दास अग्रवाल भाजपा में गए तो माना पूरी कांग्रेस समेट कर ले गए, जिसके बाद कांग्रेस ने अचानक सर्वसाधारण कार्यकर्ता और ओबीसी चेहरे के रूप में अमर वराड़े को कांग्रेस उम्मीदवार बनाया है। हालांकि कांग्रेस नामांकन फॉर्म भरने के दौरान चुनावी रैली में बहुत कमजोर नजर आई है, लेकिन गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को पूरी ताकत से मजबूती प्रदान करने के लिए और कांग्रेस उम्मीदवार अमर वराड़े की चुनावी जीत के लिए अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद प्रफुल्ल पटेल और पूर्व सांसद नाना पटोले जुट गए हैं। राजनीतिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अमर वराड़े ओबीसी समाज के सदस्य के रूप में अन्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशी की तुलना में साधारण परिवार से है, जो कि एक अच्छे कार्यकर्ता और निष्ठावान सेवक है। आज कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस की बैठक में कार्यकर्ता में जोश भरेंगे सांसद पटेल और नाना पटोले। गोंदिया जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस की संयुक्त बैठक आयोजित की गई है, जिसमें प्रफुल्ल पटेल और नाना पटोले, पूर्व विधायक राजेंद्र जैन, पूर्व विधायक हरिहर भाई पटेल और पूर्व नगराध्यक्ष के आर शेंडे, कांग्रेस जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम बाबा कटरे तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस जिला अध्यक्ष बिसेन संबोधित करके कार्यकर्ता में जोश भरकर ताकत से मैदान में डटकर मुकाबला करेंगे। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारी फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। साथ ही लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।